देखो लंबे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अब करेक्ट इनकरेक्ट बच्चों जैसे ही पूछा है नॉट करेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बच्चों मतलब इसमें से तीन स्टेटमेंट करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है नाउ द फर्स्ट वन इज ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक अभी अपन ने क्या पढ़ा बच्चों वेयर द ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट सो इन मैच द कॉलम अपन लोगों ने पढ़ा ब्रूनर्स ग्लैंड आर ओनली फाउंड इन सब म्यूकोजा ऑफ डिओडिनम तो वेयर दिस ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा ऑफ डिओडिनम तो ये किस में प्रेजेंट होता है बच्चों डिओडिनम नॉट प्रेजेंट इन स्टमक एंड सिक्रीट पेप्सिनोजन बच्चों पेप्सिनोजन सिक्रीट नहीं करती है दे यूज टू तो सिक्रीट म्यूकस मेनली क्या सिक्रेट करती है बच्चों म्यूकस क्लियर वेर एज पैप्सिनजन इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड नॉट बाय डिनल ग्लैंड क्लियर नेक्स्ट गॉब्लेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोज ऑफ इंटेस्टीन एंड सीक्रेट म्यूकस बिल्कुल सही बात है बच्चों गॉब्लेट सेल्स को अपन जनरली क्या बोलते हैं यूनिक क्वेश्चन है ये नेट का सेल्स आर आर एज एज अ सेल स्टिल दे अ ग्लैंड ग्लैंड बोलते हैं बच्चों इसे जनरली ग्लैंड आर मल्टी सेल्युलर सो इट इज कंसिडर्ड एज कंसिडर्ड एज यूनिसेल्यूलर ग्लैंड याद रखना बच्चों और इनका काम क्या होता है यस दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टीन एंड देट म्यूकस म्यूकस किसके काम आता है बच्चों? लुब्रिकेशन ऑफ फूड सो फूड कैन ईजीली पास थ्रू इंटेस्टीन और गट सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बच्चों पूछा है ये विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट

pepsinogen into pepsin and second it also provides optimum pH for the functioning of pepsin that is 1.8 second year secrete castle's intrinsic factor and this class's intrinsic factor is required for absorption of vitamin b12 and this vitamin b12 is required for the process of erythropoiesis

गैस्ट्रिक ग्लैंड तो कौन सी ग्लैंड बनाती है बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड तो ये तीन तरह की so, पढ़ा था बच्चों इससे पहले जो एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था पेनक्रियास टू पोर्सन वन इज एक्सोक्राइन अदर वन इज एंड्राइन एक्सोक्राइन पोर्सन को अपन क्या बोलते हैं एसीनाई

दैट इज इन एक्टिव फॉर्म प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइट सेकेंड इज कईमोसी नोजन कारबोक्सी पेप्टाइडिसन पेनक्रियाटिक लाइपेस देटिक जूस इनमें so से यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों और ये सब कहां से सीक्रेट होते हैं दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम एसीनाई बिकॉज दिस एसीनाई फॉर्म्स एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज ये कौन सा पार्ट बनाते हैं बच्चों

इन करेक्ट सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टेन आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिटेल्ड सोलूशन डिटेल्ड मतलब आपको हर लाइन का पता होना चाहिए वो चीज क्या है और क्यों रॉन्ग है और क्यों सही है नेक्स्ट देखते हैं बच्चों वापस वैसा ही क्वेश्चन है आप देखो इफ समीजन आर गॉबलेट सेल्स अब बच्चों बोलो अभी तक अपन इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं गॉबलेट सेल्स कैसी होती है दे आर यूनिसेल्यूलर ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है दे यूज टू सिक्रीट म्यूकस म्यूकस का काम क्या होता है बच्चों प्रोटेक्शन प्लस लुब्रिकेशन सो इफ द सेल्स बिकम नॉन फंक्शनल इट मींस अगर गॉबलेट सेल्स नॉन फंक्शनल हो गई बच्चों तो जो म्यूकस का सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज दिस विल एडवर्सली अफेक्ट तो ये कौन से पोर्शन को एडवर्सली अफेक्ट करेगा फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ सोमेटो कोई no secretion secretion फर्क नहीं पड़ेगा सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम सीबेशियस ग्लैंड बच्चों अपने पूरे इंटेस्टीन के अंदर कहीं पे भी सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती दे आर प्रेजेंट ऑन आर स्किन तो इंटेस्टीन का स्किन से ऐसे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है बच्चों सो so, इट इज आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय देन मेच्यूरेशन ऑफ बच्चों मेच्योरेशन ऑफ स्पेरेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग तो यहाँ पे बच्चों तीनों चीजें इज फार डिफरेंट फ्रॉम गॉब्लट सेल्स तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है बच्चों अब दिया स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन दस्टीन तो अभी मैंने बताया बच्चों आपको अगर म्यूकस होगा तो वो फूड को लुब्रिकेट करेगा प्लस स्मूथ जो आपका मूवमेंट है फूड का दैट इज पॉसिबल इन स्मॉल सो विच पार्ट इज स्मॉल और लार्ज इंटेस्टीन और इवन इन एगर सब जगह पे तो अगर बच्चों आपका स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टीन है यस इट इज अफेक्टेड बाय द नॉन फंक्शनल गॉबलेट सेल्स बिकॉज एक्चुअली दिस फंक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ म्यूकस एंड म्यूकस इन टर्न इज सिकेटेड बाय गॉबलेट सेल्स तो ये वो फंक्शन है बच्चों विच इज अफेक्टेड बाय द goblet cells so students now we'll focus on question number 12 if for some reason the parietal cells if for some reason the parietal cells of gut epithelium become partially non functional वॉट इज लाइटली टू हैपन तो क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों अगर पराइटल सेल्स क्या हो जाए गट की नॉन फंक्शनल तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए वेयर सिचुएटेड। सो बच्चों यहाँ पे गट जो है विच पार्ट ऑफ गट कंटेन पराइटल सेल्स तो याद रखना इट इज स्टमक वेयर द पराइटल सेल्स आर प्रेजेंट नाउ

Required for, required for absorption of vitamin B12. किसके लिए required होता है बच्चों? It is required for the absorption of vitamin B12. Clear? And ये जो SCL secret होता है, इसका function क्या होता है बच्चों?

एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटिओलाइटिक एंजाइम्स स्पेशली पैपसी नोजन तो बच्चों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट होते हैं ये जो प्रोटिवलाइटिक एंजाइम्स होते हैं दे आर पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिम

जो सीक्रेट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों डिक्रीज लाइक वाइज आल्सो डिक्रीज़ तो ये दोनों चीजें डिक्रीज होगी अवेलेबल फॉर द वर्किंग पर्पज अब देखते बच्चों क्या क्या लिखा हुआ है जिससे अपन को पता चले चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है सो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो ये किसको अफेक्ट करेगा बच्चों डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नाउ look out the four options first option the pancreatic enzymes and especially trypsin and lipase will not work efficiently so unique the scl is required for the activity of gastric enzymes not for pancreatic enzymes pancreatic enzymes work in a basic medium

अगर बच्चों एस सी एल की क्वांटिटी ज्यादा होती तो pH कम होती यहां पे क्या हो रहा है एस सी एल की क्वान्टिटी देयर फॉर पी एच देयर विल नॉट बी अप्रपली फॉल देयर विल इंक्रीज इन द एच ऑफ स्टमक सो ये भी क्या हुआ बच्चों रॉन्ग नाउ व्हाट इज दिस स्टेप्स इन इज सो बच्चों ये टर्म है विच इज नॉट गिवन इन आर टेक्स्ट बुक बट आपको याद रख लेनी है क्योंकि बच्चों टेक्स्ट बुक है जो अपने नेट में आया सो स्टेप्सिन इज अ पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या है बच्चों ये आपका द स्टेप्सिन इज अ पैनक्रियाटिक लाइपेज दिस इज अ लाइपेज एंजाइम विच एक्ट ऑन लिपिड क्लियर एंड सीक्रेटेड इन पेनक्रियाटिक जूस और इट इज अ पार्ट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस तो यह पेनक्रियाटिक जूस का पार्ट है क्या फंक्शन करता है बच्चों ट्राई ग्लेसराइट इन टू यह ट्राइग्लेराइट को कौन से वाले की बात कर रहा हूं बच्चों में स्टेपसिन सो so, ट्राइग्लिसराइड्स किसके बने होते हैं बच्चों ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स सो स्टेपीन इज अ पैनक्रियाटिक लाइपेज़ व्हिच एक्ट ऑन ट्राइग्लिसराइड्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। बट इसकी एक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है बिकॉज इट इज अ पैनक्रियाटिक एंजाइम सो इट्स एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन बेसिक मीडियम नॉट एस so pepsin will be more effective so there is no relation of scl to this stepcene so therefore this answer will also be a wrong answer now next one will protein will not adequately hydrolyzed by pepsin into proteoses and peptones yes because the amount of pepsin kya ho, gaya, ho plus pepsin ki activity ke liye. एक तो पेप्सिन कम बनेगा प्लस साथ में क्या हुआ बच्चों द पेप्सिन के लिए कोई भी एंजाइम के लिए क्या चाहिए होती है अमाउंट ऑफ एस सी एल इज लेस पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल दैट इज इक्व टू वन पॉइंट एट बिकॉज वंस द अमाउंट ऑफ पेप्सिन इज फॉर्म लेस एंड सेकेंड इट विल ऑल्सो नॉट प्रोवाइड एन ऑप्टिमम ph for the activity of pepsin therefore the pepsin will not adequately hydrolyzed that is proteins will not adequately hydrolyzed by pepsin into proteoses and peptones तो बच्चों यहाँ पे अगर अपन चारों ऑप्शन को ढंग से देखें तो अपन को ये पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हो रही है एस का अमाउंट कम हुआ उसकी वजह से पेप्सिन में कन्वर्ट कम होगा प्लस ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन इज ऑल्सो वन पॉइंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय एस तो ये दो काम बच्चों पेप्सिन के लिए किसके हैं एस के बिकॉज पेप्सिन की एक्टिविटी कम हो जाएगी लो पीएच एच की आपके हाई पीएच की वजह से बच्चों तो क्या होगा the pepsin will not adequately hydrolyzed a the proteins will not be adequately hydrolyzed by pepsin into proteoses and peptones and therefore answer is fourth isliye jo answer aayega bachcho wo kya aayega fourth aayega so this is question number 12 i think bachcho samajh mein aaya hoga अगर बच्चों आपको जो भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं अगर उसके अंदर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है आप मेरे को मेरा वीडियो देख के जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई और नई चीज सीखनी है बच्चों या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है जो आपको क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है जो पूरी तरीके से समझ में नहीं आता क्लियर यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन वन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जूस तो बच्चों एक चीज अपन ने देखी जनरली जो भी आपके एंजाइम्स होते हैं pro pro का मतलब बच्चों, form, जैसे trypsinogen, -trypsinogen. तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली किस फॉर्म में सीक्रेट होते हैं बच्चों इन एक्टिव फॉर्म के अंदर दे आर पोर्ड इन टू द प्लेस वेयर दे विल वर्क क्लियर? और उसके बाद उनको क्या करते हैं बच्चों अपन एक्टिवेट करते हैं। सो लाइकवाइज क्वेश्चन पूछा है पे, the, which, uh, तो किसको करते हैं बच्चों अपन इट इज सो अगर अपन बात करें बच्चों पिनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है सो so, इस पे तीन चार स्टार करके याद कर लेना बच्चों वैसे तो और भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बच्चों पेनक्रेटिक जूस के अंदर बट वॉट द एंजाइम्स विच इज गिवन इन आर टेक्स बुक इज जूस कंटेन काइमो पेटिकोजन सेकेंड एंजाइम इज ट्रिप्सी नोजन दट इज प्रो फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म थर्ड वन इज पेप्टिडेस क्लियर ये तीन एंजाइम है जो बच्चों कैसे हैं आपके प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियास एंड दे आर पोर्ड इनटू डियोडिनम थ्रू डक्ट क्लियर उसके थ्रू ये किसके अंदर डाल दिए जाते हैं बच्चों ड्योडिनम के अंदर अब इसके बाद और कौन कौन से एंजाइम होते हैं बच्चों सो दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेस देन पैनक्रियाटिक लाइपेस एंड और जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं बच्चों दैट इज न्यूक्लिएजिस दीज आर दिज गि अगर इनमें से देखने जाए बच्चों को जस्ट एव ए लुक ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन इज नॉट डायरेक्टली सिक्रेटेड इन जॉडिनम फ्रॉम पेंक्रियास ट्रिप्सिन डायरेक्टली सिक्रेट नहीं होता बच्चा एंटे एंटेरोड फ्रॉम इंटरेस्टीन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंटेस बच्चों ये enterokinase कहां से सीक्रेट होता है इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट से बच्चों अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो इट इज फ्रॉम डॉ एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंटेरोनेस इट एक्टिवेट्स और इट कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन इंटू सो इन एक्टिव एंजाइम को क्या करता है बच्चों ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इन टू ट्रिप्सिन किसमें कन्वर्ट कर देता है द ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इंटू ट्रिप्सिन सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेस एंटेरो

सो एक्चुअल में जो सिक्रेशन होता है दैट इज ऑफ ट्रिप सी नोजन एंड देयर फोर करेक्ट आंसर इज इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा सो द करेक्ट आंसर इज वन क्या आंसर है बच्चों इसका करेक्ट आंसर इट्स करेक्ट आंसर इज वन क्लियर सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये जो बच्चों अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ये कौन से टॉपिक्स के हैं ये पूरा जो मैंने आपका सीरीज बनाया दैट इज अ टॉपिक वाइज सीरीज तो जितने भी निट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टू बच्चों 2010 से लेके एंड अप टू 2022 इसको किस में कन्वर्ट किया है बच्चों मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है टॉपिक वाइज सीरीज के अंदर और टॉपिक वाइज से क्या होता है बच्चों आप अपना एनसीआर को रीड करो और रीड करने के बाद

मिल्क के इनिशियल स्टेप्स ऑफ डाइजेशन के अंदर क्या करता है हेल्प मिल्क कंटेन प्रोटीन कॉल्ड केसीन कौन सा प्रोटीन बोलते हैं बच्चों से अपन केसीन विच प्रोटीन इट इज नॉन एस इट इज अ केसीन अब केसीन के ऊपर फंक्शनिंग क्या होती है बच्चों सो देर इज अ एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन Gastric this enzyme called R E double N I N. याद रखना बच्चों हॉर्मोन विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम किडनी तो अगर N I N है, N I N आ जाए बच्चों तो ये कहाँ से सीक्रेट होता है किडनी से But अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं R E double N I N. So this casein एक्टेड बाय रेन एंड रेनी इंटू पेरा किस कन्वर्ट कर देता हैल्शियम एंड इट इज कन्वर्टेड इंटू कैल्शियम पेरा केसिनेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों ये कैल्शियम पेरा केसिनेट सो दिस स्टेप दैट इज कन्वर्जन ऑफ केसिन इनटू पेरा केसिन इज द इनिशियल स्टेज फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क क्लियर तो ये वाली जो स्टेप है बच्चों ये कौन सी स्टेप है दिस वी कॉल्ड एज इनिशियल स्टेप नाउ After this, what will happen, student? This calcium para caseinate इसके ऊपर connect करता है the enzyme pepsin and this calcium para is finally converted into peptones किसमें convert हो जाता है बच्चों ये peptones तो जो initial step से वो किसने perform किए हैं बच्चों that is performed by pepsin

अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन जैसे पेप्सिन का फंक्शन बताया मैंने बच्चों कैल्शियम पैराकेट को किसमें कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स और दिस पेप्सिन आल्सो कन्वर्ट्स द प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर डाइट दिस पेप्सिन कन्वर्ट इट्स इनटू प्रोटीओसिस प्लस पेप्टोन्स किसमें कन्वर्ट करता है बच्चों

रोस फैटी एसिड सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइपेस एंड पेप्न वॉट अबाउटीन स्टूडेंट सो इट इज एंड कौन साक्ट करता है बच्चों एंड वेन ट्रिप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन ये किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों प्रोटीन को इट कन्वर्टेड प्रोटीन इन टू डाइपेप्टाइट फाइनल अमीनो एसिड नहीं बनाता बच्चों बट इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इंटू सो यहां पर क्वेश्चन जो अपन से पूछा क्या पूछा बच्चों मिल्क डाइजेशन में कौन हेल्प करता है सो so, मैंने अदर जो आपके चार ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन किया है बच्चों यहाँ पे कौन क्या करता है बट मिल्क के अंदर देर इज अ प्रोटीन कॉल्ड केसीन नाउ केसीन इज एक्टेड ऑन बायी इट दिस इज द इनिशियल स्टेप एंड कन्वर्ट केसिन इंटू पैरासिन इट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड कन्वर्टेड इन टू कैल्शियम पैराट विच इज अटेक्ट बाई पैप्सिन सो इसका जो आंसर हुआ बच्चों आप देखो बच्चों सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों द इनिशियल स्टेप इन देशन ऑफ मिल्क इन यूमन इज केउट बाय समझ में आया बच्चों तो क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो वापस इसका आंसर क्या होगा सो so, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों दैट इज रेनिन एक बार वापस बता देता हूं बच्चों स्टेप क्या हुआ था रेनिन का जो आपका केसीन था दैट केसीन इज कनवर्टेड इनटू विद द हेल्प ऑफ रेनिन इट इज कनवर्टेड इनटू पैराकेसीन एंड दिस पैराकेसीन रिएक्ट विद कैल्शियम कनवर्टेड इनटू कैल्शियम पेरा कैसीनेट एंड दिस कैल्शियम पेरा कैसीनेट देन अटैक्ड बाय पैपसिन एंड कन्वर्टेड इंटू पैप्टोन्स सो इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है बच्चों यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है जो मैंने बताया था कौन सा है बच्चों दिस इज द इनिशियल step So initial step kisne perform kiya bachcho, it is performed by renin therefore answer is renin that is r e double -N -N -N. dekho bachcho same question is repeated in net 2014 Clear now the next one is the enzyme that is not present in Succus entericus bachcho what is this Succus entericus is तो ये जो सकस एंटेरिकस है बच्चों ये क्या है आपका सकस एंटेरिकस इज एक्चुअली दिस इज इंटेस्टाइनल जूस क्या है बच्चों ये दिस इज अदर नेम फॉर इंटेस्टिनल जूस ये किसका नाम है बच्चों इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है क्लियर जैसे स्टमक में जो बच्चों डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक से जो सीक्रेट होता है दैट इज पेनक्रियाटिक जूस जो लीवर से सीक्रेट होता है दैट इज नॉन एज बाइल जूस ऐसे जो बच्चों कहां से सीक्रेट होता है इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों सकस

Rydases. अब कौन कौन से डाइसेकेराइट डाइसेकेराइड का मतलब है बच्चों ए एस ई का मतलब होता है एंजाइम सफिक्स क्या लगाते हैं एंजाइम के पीछे -E. और डाइसेकेराइड्स मतलब इट एक्ट ऑन डाइसेकेराइड अब डाइसेकेराइड्स कौन कौन सी बच्चों सो so, यहां पे जो माल्टोस पे एक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन माल्टेस जो आपका सुक्रोस पे एक्ट करता है बच्चों उसे अपन क्या बोलते हैं इनवर्टेस और सुक्रेस फिर उसके बाद बच्चों जो मिल्क शुगर पे एक्ट करता है दैट इज नोन एज लेक्टोज। उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों लेक्टेस सो so ये तो कौन से एंजाइम हो गए बच्चों डाइसेकेराइडेजिस इसके बाद क्या सिक्रेट होते हैं सो so, ये किसको डाइजेस्ट कर रहे हैं बच्चों दे आर यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो भी कौन से वाले बच्चों डाइसेकेराइडेराइड को डाई में मतलब माल्टे तो आई है बच्चों सो दिस इज अ पार्ट ऑफ सकस यहां क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज नॉट प्रेजेंट सकस एंटेरिकस में क्या प्रेजेंट नहीं होगा व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इंटेस्टिनल जूस उसके बाद आते हैं बच्चों ये क्या करता है अब दूसरा जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं बच्चों ये उसको डाइजेस्ट करने के लिए फॉर द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियो साइड कौन से एंजाइम होते हैं बच्चों फॉर न्यूक्लियोटाइड इट कंटेन न्यूक्लियोटाइडिस एंड न्यूक्लियोसाइड के लिए इट कंटेन न्यूक्लियोसाइडेस जो न्यूक्लियोटाइडेज है वो क्या करता है बच्चों इट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फास्फोरिक ग्रुप वाई बिकॉज न्यूक्लियोटाइड इज मेडअप ऑफ ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है बच्चों वो किससे मिलके बनता है सो इट इज नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट जो H3PO4 को रिमूव करे बच्चों उसे अपन क्या बोलते हैं और जो शुगर और नाइट्रोजन बेस को ब्रेक कर दे बिकॉज दिस नाइट्रोजन बेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड क्या बोलते हैं बच्चों इसे अपन न्यूक्लियोसाइड सो so, इसको तोड़ने वाले को क्या बोलते हैं सो न्यूक्लियोटाइडेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सकस एंडस तो बच्चों ये जो न्यूक्लियोसाइडेस लिखा है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेस्टीनल जूस और सकस एंटेकस अब आता है बच्चों लिपिड को डाइजेशन करने के लिए फाइनल जो लिपिड को डाइजेशन करना है उसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं सो इट कंटेन लाइपेजेस कौन से वाले इंटेस्टीनल लाइपेजेस सो इट कंटेन इंटेस्टीनल लाइपेजेस ऑल्सो तो बच्चों यहां पर आपके लाइपेजेस आर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइडेज इज प्रेजेंट न्यूक्लियोसाइडेज इज प्रेजेंट प्रोटीन जो होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है बच्चों तो अभी अपन ने पढ़ा था डाइपेप्टाइड्स बन जाते हैं तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए डाइपेप्टे सो दीज आर दिस इज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन दिस इज फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड दिस इज फॉर डाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स एंड दिस इज फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो जो आपके चार इंपॉर्टेंट चीजें थी बच्चों उसका डाइजेशन हो गया अब क्या बचा बच्चों एक ऑप्शन बचा अपना is, अभी अपन ने पढ़ा बच्चों इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियटिक जूस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेस्टिनल जूस तो ये कहां से सीक्रेट होता है बच्चों इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम एनक्रियास कहां से सीक्रेट हो रहा है बच्चों पेनक्रियास एंड देयर फॉर आंसर इज द एंजाइम दैट इज नॉट रिप्रेजेंट इन और दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस एंटेरिकस सो आंसर इज न्यूक्लियस तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो कितना होगा आंसर इज वन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस इट कन्वर्ट्स ये जो न्यूक्लियस है बच्चों ये क्या कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियस कन्वर्ट्स न्यूक्लिक एसिड व्हेन एक्टेड बाय न्यूक्लियस इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइट्स तो न्यूक्लियस का जो काम होता है वो क्या होता है बच्चों ये न्यूक्लिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइट्स सो so, What is the answer of this question? The answer answer of of this this question? question is nucleases. It is a part of pancreatic juice or it is present in pancreatic secretions. Next question देखते हैं बच्चों वापस सिक्रीशन के ऊपर मतलब अब आपको सिक्रीशन रट लेने बच्चों गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक में क्या होता है बाइल में क्या होता है इंटेस्टिनल में क्या होता है चार चीजें अगर आपको याद है तो इस सारे क्वेश्चन आपको बड़ी इजिली आएंगे अभी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दी है देश जिसको अपन को अंडरलाइन करना है इन्फेंट गैस्ट्रिक जूस अभी मैंने बताया बटो इट इज क्लियर कट रिटर्न इन आर टेक्स बुक दैट द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन रेनीन कौन सा रेनीन बच्चों आर ई डबल एन आई एन सो इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में एक जो स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है दैट इज रेनिन अच्छा किसके लिए रिक्वायर्ड होता है बच्चों तो अभी सब बच्चों को याद हो गया होगा राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स रेनिन क्या करता है बच्चों रेनिन क्या करता है इनिशियल स्टेज और इनिशियल स्टेप किसके अंदर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन मिल्क प्रोटीन जब भी आप मिल्क लेते हो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है डाइजेशन का दैट इज परफॉर्म्ड बायिन दैट इज आरबल एन आई एन तो आप ये देखो बच्चों इसमें अपन को पता लगाना है देखो एक रेनिन पे दिया हुआ है और एक रेनिन बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है और एक रेनिन यहाँ पे दिया हुआ है तो तीन ऑप्शन है जहां पे अपन को क्या है बच्चों रेनिन अब सेकेंड अपन देखते हैं उसके अलावा क्या होता है बच्चों तो अभी मैंने आपको बताया जो आपका पैप्सी है एक हुआ बच्चों रेनिन दूसरा एस पैपसी या तो इन एक्टिव फॉर्म होगा या फिर एक्टिव फॉर्म होगा सो आइदर पेप्सिन और पेप्सिनोजन विच इज पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस थर्ड क्या प्रेजेंट होगा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेस क्या प्रेजेंट होता है बच्चों थोड़े अमाउंट में लाइपेस तो अब अपन देखते हैं ये तीनों चीजें कहां पे लिखी हुई है दैट इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नाउ हैव अ लुक अमाइलेज नहीं प्रेजेंट होता पेप्सिनोजन यस यस बट दिस इज रॉन्ग हियर पैप्सिनोजन राइट लाइपेज इज राइट रेन राइट इट मीन द आंसर इज थर्ड दूसरों को भी चेक कर लेते हैं बच्चों न्यूक्लियसिस अभी पढ़ा अपन ने कहा से होते हैं बच्चों न्यूक्लियस फास्ट कहां से सीक्रेट होंगे न्यूक्लियसिस न्यूक्लियसिस आर सीक्रेट फ्रॉम पेनक्रियाज कहां से सीक्रेट होंगे बच्चों पेनक्रियास से क्लियर जबकि पैप्सिनोजन एंड लाइपेजिस They are secreted from stomach. Lipases, बच्चों, सब से सीक्रेट होता है स्टमक में भी लाइप होता है इंटेस्टिनल लाइपेज और एक को पेनक्रियाटिक लाइपेस क्लियर बट न्यूक्स इज फ्रॉम पेनक्रियास माल्टेस अभी पढ़ा था बच्चों अपने माल्टेस किसका पार्ट है इंटेस्टिनल

और दूसरा बच्चों यहां पे कुछ लिखा नहीं है सो इट इज नॉट स्पेसिफाइड बट अमाइलेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इसका मतलब अगर इन चारों ऑप्शन को देखें बच्चों अपन टेक्स्ट बुक के हिसाब से विच ऑप्शन इज करेक्ट द ऑप्शन थ्री इज करेक्ट सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन क्लियर बच्चों समझ में आया यहां तक अगर कुछ भी चीजें नहीं समझ में आई हो बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में भी है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो कि किस तरह का डाउट है क्वेश्चन इज इन द गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय इज स्टमक के अंदर कौन गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट करता है सो so, इन आर बॉडी दिस गैस्ट्रिक एसिड इज एक्चुअली एच सी एल सो द्वेश्चन इज इन स्टमक दिस एस सी एल इज सिक्रेटेड बाय ऐसी कौन सी सेल्स होती है जो इसको सिक्रेट करती है सो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए वॉट इज दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड बिकॉज द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज यूज टू सीक्रेट दिस एच सी एल

द सेल्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस जो बेस पे सेल्स होती है बच्चों दे आर ग्रेन्यूल्यूलर सेल्स उसमें ग्रेन्यूल होते हैं ऐसे छोटे छोटे क्लियर? आर ये जो आपकी सेल्स है बच्चों ये एक सेल्स हो गई नाउ द सेकेंड वन इज जो नेक्स्ट सेल मैं आपके बना रहा हूं दैट इज दे आर प्रेजेंट मेनलीट द बेजल पोजिशन एंड दे आर कॉलमर एपिथिलियम तो बेस के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों और कैसी होती है दिखने में कॉलमनर क्लियर तो ऐसी सेल्स होंगी बच्चों यहाँ पे पूरी जगह पे सेल्स होती है सो ये जो सेल्स है आपकी दीज आर द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स क्लियर देन थर्ड वन इज

This is the nucleus of these cells, clear. Then there are certain cells like. आपकी कॉलमर सेलम सो ये इस तरह की सेल्स होती है बच्चों कंटिन्यूशन में होती है ये मैंने डायग्राम आपको अलग अलग इसलिए बनाया कि आपको सेपरेटली यह सेल्स दिखे सो so अगर मैं इनको बच्चों मार्किंग करता हूं मार्किंग्स so आर क्लियर सो मार्किंग करते हैं बच्चे इस कलर से दी सेल्स आर नोन एज म्यूकस नेक्सेल्स कौन सी सेल्स है बच्चों ये आपकी दे आर म्यूकस नेक्सेल एंड देयर फंक्शन इज टू सीक्रेट म्यूकस दी सेल्स आर सरफेस म्यूकस सेल्स फंक्शन इज सेम

सेल्स और चीफ सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स क्या नाम है बच्चों इसके सो देर आर थ्री नेम्स ऑफ दिस सेल वन इज जो बेजल पोजिशन में दे आर पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स क्लियर देन जो नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट है बच्चों जो अपर पार्ट ऑफ ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है दैट इज म्यूकस नेक सेल्स एकदम बेजल पोर्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों सबसे नीचे की तरफ देर आर सर्टेन सेल्स इनमें से द सम सेल्स आर जी सेल्स एंड द सम सेल्स आर डी सेल्स कैसी सेल्स है बच्चों द सम आर नोन एज जी सेल्स अदर वन आर नोन एज डी सेल्स बेसिकली

चीफ सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स अब बच्चों इनके सिक्रीश क्या होते हैं so, सो नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस नेक्सल्स इज यूज टू सिक्रीट म्यूकस तो यह क्या सिक्रीट करती है बच्चों म्यूकस नो दीज पराइटल सेल्स और ऑग्जेंटिक सेल्स दे यूज टू सिक्रीट एस सी एल प्लस कैसल्स इंट्रेंसिक

इन स्टमक गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिक एसिड मींस एससीएल इज सेक्रेटेड बाय तो कौन एससीएल सीक्रेट करेगा तो so, अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर बच्चों कौन सी सेल्स है जो एससीएल सीक्रेट करवाती है दैट इज पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीस पेप्टिक और चीफ सेल्स दे यूज़ टू सीक्रेट एंजाइम्स क्या सीक्रेट करते हैं बच्चों ये एंजाइम्स कौन से वाले जनरली दे यूज्ड टू सीक्रेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कौन-कौन से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बच्चों यहां से सीक्रेट होते हैं सो दिनोजन एंड प्रोरेनिन क्या सिक्रेट होता है बच्चों यहां से पैप्सीनोजन एंड प्रोरेनि सो एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय दिस पेप्सी दिस पैप्टिक सेल्स जीप सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स नाउ जो आपके अदर सेल्स होते हैं बच्चों दैट इज डी सेल्स एंड जी सेल्स जी सेल्स यूज टू सीक्रीट अमोन कॉल्ड गेस्ट्रीन और ये ज्यादातर कौनसे वाले पोर्सन में प्रेजेंट होती है बच्चों कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर विच इज फाउंड इन ऑफ स्टमक विच इज नोन एज चार पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों स्टमक वन इज कार्डिय पोर्शन अदर वन इज फंडिक द मेन पार्ट इज बॉडी एंड द लास्ट वन इज पाइलोरिक सो जो पायलोरिक पार्ट है स्टमक का वहां पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है

तो इसका आंसर क्या हुआ पराइटल सेल्स बिकॉज गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय पराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स थर्ड दिया हुआ है बच्चों पेप्टिक सेल्स यस दे आर फाउंड इन स्टमक बट ये क्या सिक्रेट करेंगे बच्चों दे यूज टू सिक्रेट एंजाइम एंड एंजाइम्स आर पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन क्लियर लास्ट दिया हुआ है बच्चों एसिडिक सेल्स सच ऐसे नाम की कोई सेल बच्चों स्टमक के अंदर प्रेजेंट नहीं होती तो अगर, अगर अपन ओवरऑल चारों के चारों ऑप्शन देखें बच्चों तो क्या पता चला तो एक तो अपन को ये याद रखना बच्चों गैस्ट्रिक प्रेजेंट होती है थ्री सेल्स इन आर टेक्स बुक अपार्ट फ्रॉम अदर सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट दैट इज डी सेल्स एंड जी सेल्स जी सेल्स आर गेस्ट्रीन

this is secreted by parietal cell yes therefore answer is two they are not secreted by peptic cell because peptic cells are known as chief cells they are also known as gymogenic cells and they are used to secrete enzymes and the fourth one is acidic cell such type of name directly amkijo cells hodhiye, generally they are not found in gastric glands clear so this is about question number 18 बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो अगर आपको और भी डिटेल होना हो तो आप जस्ट वीडियो में कमेंट्स जरूर करें तो आपको पता चलेगा कि कुछ और चीज अगर आपको समझनी है तो मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस मतलब यहाँ पे बच्चों जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो कौन सा पूछा है कौन-कौन से एंजाइम्स हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक जूस में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों विच पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज यूज्ड टू सीक्रेट दीस एंजाइम्स सो दिस इज अ सो पैनक्रियास की एक स्पेशलिटी होती है बच्चों पैनक्रियास कैसी ग्लैंड है पैनक्रियास इज अ हेटरोक्राइन ग्लैंड कैसी ग्लैंड है बच्चों इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रोक्राइन ग्लैंड ना वॉट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोक्राइम द मीनिंग ऑफ हेट्रोक्राइन इज जो एंडोक्राइन भी हो बच्चों और एग्जूक्राइम भी सो दिस इज द ग्लैंड विच इज एंडोक्राइन ऑल्सो एंड विच इज एग्जूक्राइन ऑल्सो एंडोक्राइन मीन इट इज यूज टू सीक्रीट हॉर्मोन्स तो जो हार्मोन्स पार्ट सिक्रीट होता है बच्चों दैट इज जो एंडोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियास का याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज इज ओनली वन टू टू परसेंट कितना परसेंट होता है बच्चों टू एंड दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज उसकी जो सेल्स होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं बच्चों अपन उन सेल्स का जो ग्रुप होता है दैट इज नोन एज आईलेट्स ऑफ लेंगर हे क्या बोलते हैं बच्चों से अपन आईलेट ऑफ लेंगर हे

फिर जो होता है बच्चों ये डायरेक्टली सिक्रेशन कहां पे पोर हो जाता है आपके डिओडीनम के अंदर जिसे अपन बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सो ये जो आपका एंजाइम वाला पोर्शन है बच्चों ये कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो पेनक्रेटिक जूस में होते हैं सो अकॉर्डिंग टू आर टेक्स्ट बुक अपनी टेक्स्ट बुक में बच्चों पांच एंजाइम गिवन है उससे भी ज्यादा सीक्रेट होते हैं बट इन योर टेक्स्ट बुक फाइव एंजाइम्स आर गिवन नाउ व्हाट दीस फाइव एंजाइम्स आर तो जो एंजाइम्स यहाँ पे सीक्रेट होते हैं बच्चों वो सबसे अच्छा। पहले अपन लिख लेते हैं एंजाइम को इसमें थ्री आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच इज गिवन इन आर टेक्स बुक रिमेंबर बच्चों इससे भी ज्यादा होते हैं बट आपको टेक्स बुक में थ्री दिए हुए ट्रिप्सी नोजन कौन सा एंजाइम है बच्चों पहला वाला ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट देन ट्रिप्सी दूसरा जो एंजाइम है बच्चों कौन सा है आपका काइमोट्रिप्सिनोजन बोथ आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग ट्रिप्सिनोजन द थर्ड वन इज प्रोकार्बोक्सी कार्बोक्सीडेस कौन सा एंजाइम है बच्चों प्रोकार्बोक्सी पेप्टीडेस

प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स है बच्चों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इसके अलावा जो बच्चों होते हैं दैट इज अल्फा अमाइलेस किसके ऊपर काम करता है बच्चों क्योंकि अमाइलेस टर्म आ गया सो इट इज एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट सो दैट इज इजक्रियाटिक अल्फा अमाइलेस कौन सा

कौन से एंजाइम होते हैं बच्चों न्यूक्लियसिस दे एक्ट ऑन आरएनए एंड डीएनए एंड कन्वर्ट इट इनटू न्यूक्लियोटाइड्स किसमें कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स तो क्या बनाता है बच्चों ये आपका सो जस्ट हैव अ लुक जो आपके न्यूक्लियसिस हैं दीस न्यूक्लियसिस आर ऑफ टू टाइप्स इफ दे एक्ट ऑन आरएनए दे आर नोन एज आरएनएज एंड इफ दे एक्ट ऑन डीएनए दे आर नोन एज

थ्री फोर फाइव और सिक्स सिक्स एंजाइम्स अपनी बुक के अंदर बच्चों गिवन है जो आपको याद रखने हैं तो जस्ट अवर लुक अमाइलेस वी आर टॉकिंग अबाउट amylase. यस so amylase. Yes. amylase कौन सा वाला Pancreatic amylase. इट इज प्रेजेंट in pancreatic जूस पेप्सिन नॉट प्रेजेंट

Peptidase. Again, peptidase is not pro तो उसको अपन बोल सकते हैं कि पैप्टीडेज है ना? तो पैप्टीडेज बट वो कौन सा वाला प्रोकार्बोक्सी पैप्टीडेज वैसे अपन इसकी जगह पे क्या बोलते हैं डाई पैप्टीडेज सो पैप्टीडेज आप आ, ऐसे ले सकते हो प्रोकार्बोक्सी पैप्टीडेज इफ वी आर कंसिडरिंग यू कैन कंसिडर

और उसे राइबो में कन्वर्ट करेगा, DNA करेगा और उसे डी ऑक्सी इज प्रेजेंट इन आर टेक्स्ट बुक इससे भी ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों बट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन नहीं एंड क्वेश्चन इज कैन बी सोल्व हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक नॉलेज सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दैट इज Which cells of Crips of crypts antibacterial lysozymes? So as such this information is not given in our textbook बट जब अपन थोड़ा सा तो अपन को पता चल जाता है तो यहाँ पे क्या देखना है बच्चों Antibacterial बैक्टीरियल लाइसोजाइम कहां से सीक्रीट होते हैं और किसकी बात हो रही है बच्चों क्रिप्स ऑफ लिबरकुल तो इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाए बच्चों मैंने गैस्ट्रिक glands का एक डायग्राम बनाया था

और अपन बोल सकते हैं इसमें नैरो की जगह पे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तो कैसे बनाता है बच्चों ये टेक्स्ट बुक की लाइन इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दीज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ इंटेस्टिनल एपिथीलियम इज नोन एज क्या बोलते हैं बच्चों इसको अपन वी कॉल्ड देम एज अ विलाई क्या बोलते हैं वी कॉल्ड देम एज अ विलाई सो बिटवीन द विलाई बच्चों एक और ऐसे विलाय आएगा एलिवेशन बिटवीन दिलायो डिप्रेशन तोन सो बिटवीन दिलायोजल एपिथीलियम डिप्स डाउन एंड दे आर कन्वर्टेड इन टू ये जो नीचे बच्चों आपका डिप्रेशन आया इसको अपन बोलते हैं क्रिप्ट

दे कंटेन तो नीचे की तरफ बच्चों यहाँ पे सर्टेन सेल्स आर प्रेजेंट कुछ सेल्स नीचे की तरफ होती है बच्चों व्हाइट कलर से बनाऊंगा दिखेगी आपको सो सर्टेन सेल्स आर प्रेजेंट एट द बेस। नाउ दी सेल्स आर इनमें से बच्चों कुछ सेल्स कैसी होती है कुछ सेल्स को अपन बोलते हैं जेंटा

Now, these used to secrete. इसके दो काम होते हैं बच्चों एक ये क्या सिक्रीट करती है इट इज यूज टू सीट लाइसोजाइम क्या सिक्रीट करती है बच्चों ये लाइसोजाइन सो इट इज यूज टू सिक्रेट लाइसोजाइन एंड सेकेंड दे आर ऑल्सो फेगोसाइटिक इन नेचर मतलब दे कैन अलसो परफॉर्म फेगोसाइटोसिस तो इसके दो काम है बच्चों ये लाइसोजाइम भी सिक्रेट करती है विच इज एंटीबैक्टीरियल इन नेचर द लाइसोजाइम्स आर अलसो सिक्रेटेड इन सलाइवा क्लियर तो ये जो लाइसोजाइम होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं दीज आर ये जो लाइसोजाइम है दी आर नेचर एंटी होते हैं और ये क्या करते हैं बच्चों बैक्टीरिया को किल कर देते हैं so, सो जनरली दे आर बैक्टेरी तो बैक्टेरी का मतलब टू किल बैक्टीरिया सो दीज आर द लाइसोजाइम सो एक्चुअल में लाइसोजाइम कहाँ से सिक्रिएट हो रहा है बच्चों पैनेट सेल्स उसके अलावा सेल्स कौन सी होती हैं द अदर सेल्स प्रेजेंट आर कुछ ऐसी बड़ी सी सेल्स होती है बच्चों से इसका न्यूक्लियस ऐसा होता है द अदर आर कॉलमनर सेल्स

आर प्रेजेंट इन स्टमक मतलब दे आर दार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड नॉट किसका कौन से मैक्रोफेजेस है बच्चों दीज कफर सेल्स आर टिश्यू मैक्रोफेज कौन से मैक्रोफेजे बच्चों टिश्यू मैक्रोफेज वॉट इज मैक्रोफेजिस

intestinal gland, but their function is not to secrete antibacterial lysozyme. Their function is to secrete some hormones like 5-hydroxytryptamine hydroxy or secretin. अब ये जो pancreatic cells बच्चों जहाँ पे present होती है, जहाँ पे argentaffin cells present होती है, जो secretin गती है, ये कौन से वाले part के अंदर present होती है, अगर mainly आपसे specific question पूछा जाए बच्चों, so they are present in.

क्लियर दे आर मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन दट इज इन द ड्यडिनम पार्ट बट ये स्पेसिफिक हो गया बच्चों आपको जनरली नहीं पूछेंगे फिर भी अगर आपको याद रखना हो तो यू कैन मेमराइज इट आया बच्चों समझ में सो so, क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबर को इन secrete antibacterial बैक्टीरियलाइज कौन सी सेल्सिक्रीट करती है अभी पता चल गया बच्चों आपको दीज आर दैन सेल्स कौन सी सेल्स बच्चों सेल्स अब पेनेथ सेल्स और गॉबलेट सेल्स उनकी एक स्पेशलिटी है बच्चों वो भी याद रख लेना इसी के साथ these planet cells and goblet cells are considered as are considered as are considered as unicellular gland मतलब gland generally बच्चों क्या होता है एक tissue होता है एक organ होता है ये yeah. बट यहाँ पे एक सेल को ही अपन ने क्या मान लिया बच्चों ग्लैंड अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिसेल्यूलर ग्लैंड देन योर आंसर इज गॉबलेट सेल्स एंड पैनेट सेल्स जनरली पहले गॉब्लेट सेल पूछा जाता है बच्चों इफ गॉबलेट सेल इज नॉट गिवन इन ऑप्शन यू कैन मार्क पैनेथ सेल्स एज अ यूनिसेल्यूलर ग्लैंड सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक बच्चों सबको क्लियर हो गया होगा कफर सेल्स कहाँ पे होती है बच्चों टिश्यू मैक्रोफेजेस कफर सेल्स क्या है आपकी टिश्यू मैक्रोफेजेस एंड दे आर फाउंड इन मैमेलियन लिवर तो अपने लिवर के अंदर दे आर दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोएसिस नाउ व्हाट इज एरिथ्रोपोएसिस स्टूडेंट एरिथ्रोपोएसिस इज द सिंथेसिस एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी सो erythropoiesis is actually synthesis or formation of RBC that is red blood cells now which is indirectly help in this process so student uh, already we have discussed this in question number 18 then in gastric Glands, there is a specific cell present known as parietal cells or auxentic cells. Now, what is the function of these parietal and auxentic cells? They used to secrete two things. The one is SCL, that is hydrochloric acid, that is also known as gastric acid, and second is the Castle's intrinsic factor. Now, what is a student? This is the Castle's intrinsic factor. Now, this intrinsic factor is required for

erythropoiesis process so the answer of this question is student parietal cells now what is the function of goblet cells student so I told you that goblet cells are considered as a unicellular gland and they used to secrete mucus clear and mucus covering the GIT and it protect GIT from various activity of enzymes it protect stomach from especially stomach and a part of intestine from the functioning of SCL.

These chief cells, they are also known as peptic cells, they are also known as gymogenic cells. So, according to the question, student, which of the following gastric cell indirectly help in erythropoiesis? So, this is the parietal cells or auxentic cells because they used to secrete gases intrinsic factor. Now, the next question, student, is identify the cells whose secretion protect the lining.

प्रोटेक्शन so, के अंदर, Protection के अंदर. Then, chief cells, अभी था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में चीफ सेल्स आर ऑल्सो नॉनिक सेल्स टू सीट एंजाइम और अपन को एंजाइम से तो प्रोटेक्ट करना है एंजाइम सीक्रेट नहीं करवा रहे तो एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए वे रिक्वायर म्यूकस कवरिंग एंड म्यूकस कवरिंग इज मेनली सीक्रेटेड बाय गोबलेट सेल्स सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 द एंजाइम एंटरोकाइनेज क्या क्वेश्चन पूछा है हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ सो एंटरोकाइनेज कन्वर्ट्स व्हिच वन इनटू व्हिच वन सो द फर्स्ट गिवन इज प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन का डाइजेशन करके किसमें कन्वर्ट कर दे पॉलीपेप्टाइट दैट इज स्मर पोलीपेप्टियर सो कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इंटू दार्जर पोलीपेप्टाइट इंटू स्मॉल पॉलीपेप्टाइट इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड दैट इज डन बाय एंडोपेप्टाइडिज स्मॉल तो, में कौन कन्वर्ट करता है एंडोपेप्टिडेस सो दिस इज नॉट डन बाय नाउ द सेकंड वन इज़ कन्वर्जन ऑफ इनटू तो जो पहला वाला है वो तो रॉन्ग है बच्चों क्लियर जो एंटेरोकाइनेस है वो क्या है दिस इज एन एंजाइन व्हाट इज एंटेज पीछे ए लग रहा है बच्चों इट मींस इट इज एन एंजाइम This enterokinase is secreted by brush border cells of. स्पेशली अगर अपन स्पेसिफिक बात करें बच्चों तो ब्रश बॉर्डर सेंस ऑफ डिओडिनम कहाँ से सिक्रेट होता है बच्चों ये द एंटरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ डिओडिनम डिओडिनम के अंदर जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होती है विलाय के ऊपर उससे ये सिक्रेट होता है बच्चों एंड इट इज यूज टू एक्टिवेट और यूज टू कन्वर्ट तो ये ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों इट कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन इनटू

कैसा एंजाइम कैसा एंजाइम बच्चों ट्रिप्सिन इट इज एन ओ2 कैटेलाइटिक मॉलिक्यूल और एंजाइम कैसा मॉलिक्यूल है बच्चों इट इज अ ऑटो कैटालिटिक मॉलिक्यूल मतलब ये खुद अब बचे हुए ट्रिप्सिनोजेन को क्या कर सकता है एक्टिवेट सो so, अगर आंसर देखने जाएं तो आंसर क्या हुआ बच्चों एंटरोकाइनेज कन्वर्ट्स दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन इनटू ट्रिप्सिन

जन ऑफ केसीन इंटू केसीन कैन बी डन बाय अब ये बच्चों बहुत सारे एंजॉइंग कर सकते हैं नॉट ओनली वन एंजॉइंग दट कैन बी डन बाय सो इट कैन बी डन बाय ये कौन कौन कर सकता है बच्चों दिस कैन बी डन बाय ट्रिप्सिन दैट इज फॉर द कर्डलिंग ऑफ मिल्क बट इट इज नॉट गिवन इन आर टेक्स्ट बुक ना स्टूडेंट इट इज ऑल्सो डन बाय पेप्सिन अगेन नॉट गिवन इन आर टेक्स्ट बुक हाँ टेक्स्ट बुक में जो गिवन है दैट इज केसीन ओजन इन दैट कैन बी डन बाय रेनी

जन इंटू केसिन फिर लिखा हुआ बच्चों पैप्सिनोजन इंटू पैपिनोजन इंटू पैप्सिन ये कौन करता है बच्चों दैट इज इन एक्टिव फॉर्म और प्रो फॉर्म ऑफ एंजाइन this pepsinogen is converted into pepsin by hcl so here acid is required and therefore gastric glands contain cells which is used to secrete acid this is one of the function of SCL student a pepsinogen co-activate or convert pepsin clear so this is actually inactive inactive form this inactive form is converted into active form with the help of HCl. Now, जैसे बच्चों ट्रिप्सिन ऑटोकैटेलिटिक होता है वैसे पेप्सिन इज ऑल्सो ऑटोकैटेलिटिक ये क्या कर सकता है दिस पेप्सिन कैन ऑल्सो एक्टिवेट अदर पेप्सिनोजन इन टू पेप्सिन सो ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन की यूनिक प्रॉपर्टी है बच्चों सो दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आई थिंक सबको समझ में आएगा बच्चों कोई भी चीज अगर बच्चों समझ में नहीं आती आप जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स क्लियर अगर मान लो कुछ प्लस माइनस भी हो जाता है बच्चों तो आप मेरे को बताओ मैं उसको करेक्ट करके आपको नया वीडियो अपलोड करूंगा क्वेश्चन बच्चों तो बच्चों ये जो सकस एंटेरिकस है दिस इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज यूज फॉर इंटेस्टिनल जूस तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों इंटेस्टिनल

intestinal glands. Likewise, what is chyme, student? So the chyme is, it is a digested food mixed with gastric juice. तो so, gastric juice और उसके साथ जो digested food है बच्चों, वो जो mix होता है, उसको मिला के, इनको मिला के अपन क्या बोलते हैं? We use a term chyme. So chyme term is actually used in stomach. तो so, जो स्टमक में फूड आता है बच्चों उसका क्या होता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वो डाइजेस्ट होके किसके साथ मिल जाता है बच्चों पूरा गैस्ट्रिक जूस के साथ और वो गैस्ट्रिक जूस भी किस में हेल्प करता है उसके डाइजेशन में उसके फुल डाइजेशन होने के बाद जो आपका क्या बनता है स्टमक में डाइजेशन होने के बाद जो आपका लिक्विड बनता है दैट लिक्विड इज नोन एज काइम नाउ दिस काइम इज पास दिन दिस टाइम इज पास दिन

स्पेशली फॉर फैटी सबस्टेंस जो होता है उसका जो बच्चों मिक्सचर बनता है उसके लिए यूज अ टर्म काम काइल बट दिस इज जनरली यूज फॉर द डाइजेस्टेड फैटी एसिड तो फैटी एसिड जो होते हैं बच्चों उसके लिए वी यूज अ टर्म का वेरियस टर्म्स यूज यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों This is not an answer. This is not an answer. This is not an answer. The answer of this question is intestinal juice. The other name of intestinal juice is succus entericus. So this is question number 24 four So अगर अपन देखें बच्चों ही यहाँ तक जितने भी मैंने क्वेश्चन सभी आपको करवाए हैं, ये क्वेश्चन कौन से वाले पार्ट से हैं? So that is from the second part of our NCERT textbook. जो second part है बच्चों को क्या दिया हुआ है? Digestion of food. तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं बच्चों कौन से पोर्शन से है डाइजेशन ऑफ फूड मतलब जब भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ो वैसे तो बच्चों मेरा सजेशन है कि आप पूरा टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड एंडश्शन